क्या होगा अगर वाटर एलिमेंट का वर्सेस हो जाए इलेक्ट्रिक एलिमेंट से, तो कौन विन करेगा इस मैच को। तो गाइस आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि अगर वाटर एलिमेंट और इलेक्ट्रिक एलिमेंट के बीच में फाइट हो जाए तो कौन विन कर जाएगा इस मैच को। पहले बता देता हूँ, जो मैं वाटर एलिमेंट से जो एलियन लेने वाला हूँ तो वो एलियन है वाटर हैजर्ड और रिप जॉस, और इलेक्ट्रिक एलिमेंट से जो एलियन लेने वाला हूँ वो है एम्फीबियन और सॉक्सकॉच। हाँ, तो मैंने दोनों एलिमेंट से दो दो एलियन को लिया इस बैटल में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही प्लीज जाके इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग 50K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। तो जल्दी जाओ 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। तो भाई जरा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर एलिमेंट्स के बारे में। तो वाटर एलिमेंट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे रिप जॉस के बारे में। रिप जॉस जो कि बेंटन क्लासिक का फर्स्ट वाटर टाइप एलियन था, और अगर लुक्स के ऊपर बात करें तो रिप जॉस का लुक काफी ज्यादा डरावना था, और जो इसके फेस था उसमें काफी ज्यादा इसके बड़े बड़े टीत थे जो कि इसे और ज्यादा डरावना बनाते थे, और उसके हेड में कुछ एक लाइट जैसा होता था जो कि इसे पानी में तैरने में काफी ज्यादा हेल्प करता था। और अगर रिप जॉस की बात करें तो इसकी पावर वाटर में काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। हाँ, लैंड के मुकाबले इसकी पावर वाटर में काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है, मतलब ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और रिप जॉस की बॉडी काफी ज्यादा मस्त होती है, मतलब अगर ये लोग लैंड में रहते हैं तो इनके पास पैर जैसे आ जाते हैं, और जैसे ये लोग पानी में जाते हैं इनके वही पैर टेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि इन्हें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं पानी में स्विम करने के। और इस एलियन के पास काफी ज्यादा शार्प टीथ भी होती है जिनका ये लोग काफी बार यूज करते हैं फाइट से लेके फूड से लेके हर चीज में बोल लो। और मैंने आपको एक और बात बताया था, जो रिप जॉस के हेड में जो एंटीना जैसा होता है वो पानी में काफी ज्यादा ग्लो करता है जो कि इन्हें अंधेरी जगह में काफी ज्यादा हेल्प करता है स्विम करने में। तो चलो गाइस, मैंने आपको रिप जॉस के बारे में तो बता दिया, तो हम बात करते हैं वाटर हैजर्ड के बारे में। वाटर हैजर्ड जिसे हमें सबसे पहले अल्टीमेट एलियन में दिखाया गया था, और ये उन पांचों एलियन में से ही एक एलियन था जिसे एग्रेगोर ने पकड़ा था। और ये एलियन मुझे वाटर एलियन में से सबसे ज्यादा पावरफुल एलियन में से एक एलियन लगता है, क्योंकि ये एलियन जमीन के बाहर भी इसकी पावर कम नहीं होती, ये जमीन के बाहर भी किसी भी एलियन को बहुत आसानी से मार सकता है, और ये एलियन हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा बेस्ट है। और वाटर हैजर्ड अपने हाथ से वाटर ब्लास्ट भी कर सकता है, जो कि आपने काफी बार देखा होगा कि इसकी जो वाटर निकलती है काफी स्पीड में निकलती है। और तो और वाटर हैजर्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा बेस्ट है, और वाटर हैजर्ड किसी भी चीज से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है जो कि हमने अल्टीमेट वाले एक एपिसोड में देखा था। और वाटर हैजर्ड वाटर के वेव्स भी बना सकता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। और लुक्स के ऊपर बात करें तो यार इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, इसकी बॉडी पूरी मेटालिक बॉडी लगती है, और पूरा रेड कलर से इसका अट्रैक्टिव लुक दिखता है। तो मैंने आपको वाटर एलिमेंट्स के तो दोनों एलियन के बारे में बता दिया, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट के दोनों एलियन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स में जो सबसे पहला एलियन है वो है एम्फीबियन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एम्फीबियन ये भी उन पांचों एलियन में से एक एलियन था जिसे एग्रेगोर ने पकड़ा था। एम्फीबियन इसके बारे में बात करें तो यार ये इलेक्ट्रिक में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है जो कि इलेक्ट्रोकाइनेसिस की पावर यूज कर सकता है, मतलब काफी ज्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर सकता है अपने बॉडी से, और ये लाइटनिंग वेव भी बना सकता है। और एम्फीबियन के जो आर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब ये अपने हाथ को काफ़ी ज़्यादा लंबे भी कर सकता है। और एम्फीबियन के पास कुछ ऐसी पावर होती है कि अगर इसे किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक अगर इसके ऊपर फेंका जाए तो ये वो इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और तो और उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है ये, और ये किसी भी एक इलेक्ट्रिक सरफेस से दूसरे इलेक्ट्रिक सरफेस में आराम से जा सकता है। मतलब आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो ये आपके टीवी से लेके आपके फ्रिज तक बहुत ही आसानी से जा सकता है बिना आपको दिखाए दिए। और एम्फीबियन इंटेंजिबल भी हो सकता है, हाँ इसे हमें सबसे कम दिखाया गया है कि इंटेंजिबल होता है, पर ये इंटेंजिबल हो सकता है। हाँ, मैं बिग चिल जैसा इंटेंजिबल की बात नहीं कर रहा, कि ये मैं सोचना कि बिग चिल जैसा इंटेंजिबल हो जाएगा, मतलब ये किसी भी मशीन से इधर से उधर इंटेंजिबल होके जा सकता है। और एम्फीबियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शील्ड भी बना सकता है, और ये एलियन स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है बहुत ही आसानी से। और अगर बाय चांस अगर एम्फीबियन को अगर आपको हराना हो तो यार इसके ऊपर न्यूरोसब ब्लास्ट फेंकने से ही काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और एम्फीबियन ग्वेन की मैजिकल पावर से जो बनी हुई शील्ड रहती है उससे भी ये बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, वही मैना शील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का जो सेकेंड एलियन है वो है सॉक्सकॉच,
जिसे बेन 10 जनरेटर रेक्स वाले मूवी में दिखाया गया था। और इस एलियन के पास भी इलेक्ट्रिक काइनेसिस की पावर है, मतलब एक अपने बॉडी से काफी हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर सकता है और ये इलेक्ट्रिक का एक फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है जो कि इसे कवर करता है काफी सारे अटैक से बचने में। और इसके पास काफी इनहेंस स्पीड है, मतलब ये काफी स्पीड में भाग सकता है ये एलियन, और ये किसी भी टाइप के इलेक्ट्रिक अटैक को बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब करके उसके सामने वाले एनिमी पे फेंक सकता है। और अगर आपको सॉक्स कॉच को अगर हराना है तो यार इसको स्पाइडर मंकी के वेब से पकड़ सकते हैं और इसे हरा सकते हैं, क्योंकि वेब में इलेक्ट्रिक एनर्जी काम नहीं करती। इसीलिए तो मैंने आपको सॉक्स कॉच के बारे में बता दिया, यानी मैंने आपको दोनों इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। तो अब हम फाइट के ऊपर आते हैं, तो क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक एलिमेंट का अगर फाइट हो जाए वाटर एलिमेंट से, तो कौन विन करेगा इस मैच को? तो पहली फाइट करते हैं वाटर हैजर्ड वर्सेस एम्फीबियन के बीच में। हाँ, तो अगर वाटर हैजर्ड वर्सेस अगर एम्फीबियन के बीच फाइट होगा तो आराम से वाटर हैजर्ड इस मैच को विन कर जाएगा, क्योंकि वाटर हैजर्ड काफी हाई अमाउंट में वाटर रिलीज कर सकता है अपने बॉडी से। और आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा कि अगर एम्फीबियन अगर ज्यादा वाटर में फंस जाता है तो यार इसकी इलेक्ट्रिक अटैक इसके ऊपर ही हावी हो जाती है, मतलब इसको इलेक्ट्रिक शॉक खुद को ही लगने लग जाता है। तो इस कंडीशन में आराम से वाटर हैजर्ड इस मैच को विन कर जाएगा। हाँ, अगर वाटर हैजर्ड अगर इसके ऊपर पानी ना फेंके तो एम्फीबियन इसको हरा देगा अपने एक ही दो इलेक्ट्रिक शॉक से। तो बात करते हैं सेकंड बैटल, तो सेकंड बैटल हम करेंगे रिपजॉस वर्सेस शॉक स्कॉच के बीच में। तो अगर इन दोनों के बीच फाइट होगा तो आराम से शॉक स्कॉच जीत जाएगा, कि अगर ये लोग की फाइट जमीन में हुई तो जमीन में आराम से शॉक स्कॉच अपने एक दो अटैक से रिपजॉस को इतना कमजोर कर देगा कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस फाइट में मुझे लगता है कि आराम से शॉक स्कॉच इस मैच को विन कर जाएगा। तो दोनों ही एलिमेंट के एक एक पॉइंट हुए हैं, तो यार मेन फाइट करवाते हैं। तो दोनों एलिमेंट से मैं एक एक एलिमेंट ले लेता हूँ वापस से। तो पहले फाइट का जो विनर था वो था वाटर हैजर्ड, और दूसरे फाइट का जो विनर था वो था शॉक स्कॉच। तो अगर वाटर हैजर्ड वर्सेस अगर शॉक स्कॉच के बीच फाइट करे तो यार मुझे लगता है कि इस मैच को भी वाटर हैजर्ड विन कर जाएगा। और अगर वाटर हैजर्ड अगर इसके ऊपर वाटर फेंकेगा तो यार ये भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये शॉक कुछ अटैक करता है तो इसको ही वापस शॉक लग जाएगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि शॉक स्कॉच का एक एक अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ये काफ़ी हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है, पर अगर वाटर हैजर्ड अगर इसके ऊपर वाटर फेंक देगा तो यार ये काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाएगा, और ये इसको इतना ज़्यादा पावरफुल अगर शॉक अटैक पड़ेगा तो ये यार आराम से हार जाएगा इस मैच को, उसका अटैक उस पर ही भारी हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये छोटे मोटे इलेक्ट्रिक अटैक को एब्जॉर्ब कर सकता है, पर आपको ये भी मालूम होगा कि कितना ज़्यादा हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करता है अपने बॉडी से। तो मैंने आपको बता दिया कि वाटर एलिमेंट और इलेक्ट्रिक एलिमेंट में अगर फाइट होगा तो आराम से वाटर एलिमेंट इस मैच को विन कर जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस आज के अगर आपको ये हमारी वाटर एलिमेंट वर्सेस इलेक्ट्रिक एलिमेंट की वीडियो पसंद आई तो क्या कर रहे हो, अभी जाके इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो को लाइक किया मैं 1000 लाइक, तो आई नो आप लोग कंप्लीट कर दोगे, तो जल्दी जाओ अपने सुपर फिंगर का यूज़ करो और इस वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट कर दो। और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारे 50K फैमिली कंप्लीट कर दो, क्योंकि हम लोग 50K फैमिली के बहुत ही क्लोज है, ऑलमोस्ट 2000 सब्सक्राइबर ही बाकी है अभी। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे और भी एलिमेंट सजेस्ट कर सकते हो, तो जल्दी आओ कमेंट सेक्शन में और भी काफ़ी सारे एलिमेंट सजेस्ट करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय।